हमारे बीच में हमारे सनातन धर्म का झंडा उठाए हुए जो स्वयं सेवक हिंदुस्तान में नहीं पूरे विश्व में घूम रहे हैं, स्वयं सेवक के एक विभाग हमारे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के विभाग प्रचारक एक तरह से हनुमान जी का रूप होते हैं, क्योंकि निष्काम कर्म की मूर्ति और हमारी सनातन ध्वजा को जिन्होंने पूरे विश्व में फहराया है ऐसे आए हुए हैं और हमें चाहेंगे कि ऊपर आए। और ये क्योंकि मैं भी एक स्वयं सेवक हूँ, ऐसा नहीं कहूँगा कि मैं रहा हूँ, मैं अभी भी हूँ और मैं चाहूँगा कि वो भी कुछ समय हमारे बीच में बोलें, मुझे अच्छा लगेगा। तो उसके बाद फिर विश्राम होगा जल पीने का, तो वो आ रहे हैं। ये जो हमारा जो संघ है ना, ये संघ ही सिखाता है कि हमें एक हाथ में खड़ताल और एक हाथ में गदा को रखना चाहिए। हाँ, माइक दे दीजिए इन्हें, हम इनके भी विचार थोड़ा सुनना चाहेंगे। 2006 में इन्होंने घर छोड़ दिया, परिवार का त्याग किया, काय के लिए, राष्ट्र के लिए। देखो, बहुत से लोग अपने घर के लिए राष्ट्र का त्याग कर देते हैं, समाज का त्याग कर देते हैं, असली सत्य के मार्ग का त्याग कर देते हैं, लेकिन धन्य है ऐसे स्वयं सेवकों की जननी जिन्होंने ऐसे पुत्र जन्मे जो राष्ट्र के लिए, सनातन धर्म के लिए, जो अपने मोह और ममता का त्याग कर देते हैं। ये जितने प्रचारक लोग होते हैं ना, ये आजीवन व्रत लेते हैं कि हम अपनी सांस सांस को राष्ट्र हित में और धर्म हित में लगाएंगे और अपना परिवार नहीं पालेंगे। ऐसा त्याग कोई संत ही कर सकता है। तो ये चलती फिरती संत मूर्तियां हैं। निःसंकोच बोलिएगा माइक। हेलो, आवाज आ रही है? आ रही है। पूज्य श्री के श्री चरणों में मेरा सादर नमन वंदन। वास्तव में जहां संतों के चरण पड़ते हैं वह भूमि कृतार्थ हो जाती है। मेरा भी बांगुरी में प्रवास चल रहा था तो मुझे मालूम हुआ कि पूज्य श्री के चरण कमल हमारी इस धरा पर विराजित हुए, तो मेरा मन भी नहीं माना कि मैं उनके दर्शन करूं, उनके श्री वचनों को सुनूं। और अभी श्री हनुमान जी के वृतांत को पूज्य श्री जितने सहज भाव से और आनंद भाव से जो प्रस्तुत कर रहे थे, वास्तव में एक मन को प्रसन्नता देने वाला है। हम सब हिंदू संस्कृति के पोषक हैं, हम सब ने भारत में जन्म लिया है। उत्तरम यह समुद्रस्य हिमाद्रस्य दक्षिणम बरसम तद भारतम नामः भारती यत्र संतति। जिसके उत्तर में हिमालय, दक्षिण में जिसके कन्याकुमारी, जिसके चरण पखार रहा है, ऐसे विस्तृत भूभाग में फैला हुआ हमारे देश भारत है, जिसको हमने भारत माता कहा है। बहनों भाइयों, दुनिया में कोई भी ऐसा देश नहीं है जिसको हमने माता कहा हो। कभी हमने चीन को माता नहीं कहा, हमने पाकिस्तान को माता नहीं कहा, अमेरिका को माता नहीं कहा, हमने कभी जर्मनी को माता नहीं कहा, कभी रूस को माता नहीं कहा। केवल दुनिया में सर्वश्रेष्ठ कोई देश है तो वह है भारत, जिसको हमने माता कहा है। और इसलिए जितने भी देवताओं ने जन्म लिया है भारत में, जन्म लेने के लिए सभी देवता तरसते हैं। भारत भूमि भागा
अरे हमने कहा है कि गायंत देवा किल गीत का नहीं धन्यास्तु तो भारत भूमि बागा, और जितने भी सभी जितने जो देवताओं ने जन्म लिया वो भारत भूमि पे रहा, और विशेष करके जो अपनी ब्रज भूमि है, यहां ब्रज भूमि तो इतनी पवित्र भूमि है, यहाँ की रजकड़ यहाँ की धूल भी एक चंदन के समान है। अभी जो 492 वर्षों से भारत के इतिहास पर एक कलंक के रूप में अपने पवित्र प्रभु श्री राम की जो आराध्य अपने राम की जो जन्म स्थान था अयोध्या जी, उस पर मिलेक्षों उस पर बाबरी ढांचा बना रखा था, और संतों की कृपा से सज्जनों की शक्ति के कारण से उस ढांचा भी समाप्त हो गया और पवित्र श्री राम जी के उस जन्म स्थान पर भव्य राम मंदिर का निर्माण भी हो रहा है। ये सब संत शक्ति का प्रभाव है। अभी पूज्य महाराज जी कह रहे थे कि कथाएं कम हो गई हैं। वास्तव में सज्जन शक्ति संत शक्ति जहां जहां अपना चरण पखारते हैं वहां के वातावरण में एक प्रकार का एक आनंदमय वातावरण हो जाता है। और हम भारत के लोग हैं, हम सनातन संस्कृति को मानने वाले हैं। हमारे कहा गया है, तुलसी बाबा कहते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा सुर मन, सभी प्रकार से सभी इतने प्रकार के जतन करने के बाद से हमने मनुष्य जन्म प्राप्त किया है, और देवता भी इस मनुष्य जन्म को लेने के लिए तरसते हैं, क्योंकि उनको जन्म मरण के चक्र से अगर मनुष्य जन्म मिलता है तो हमारी जो जन्म मरण के चक्र से हम छूट जाते हैं, और उसके बाद फिर भारत में जन्म लेना और भारत में भी ब्रज में जन्म लेना, यह वास्तव में भगवान की कृपा के बाद ही हमको जन्म प्राप्त होता है। और उसके बाद भी संत की संगति, सत्संगति, हरि नाम को स्मरण करना, इस प्रकार से हनुमान जी की कथा सुनना आज के इस और भौतिकतावादी युग में, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति के चार मूल उद्देश्य हैं। हमने कहा धर्म अर्थ काम और मोक्ष। जो पश्चिम की संस्कृति केवल अर्थ और काम पर चलती है, उनके यहां धर्म और मोक्ष है ही नहीं, वो धर्म जानते नहीं है। हमने ही कहा कि धर्म धारते इति, जो धारण किया जाता है वो धर्म है। महाभारत में कहा है अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनत्वा परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। धर्म क्या है? पापाय परपीडनम, दूसरे को कष्ट देना यह धर्म है। परोपकार करना, सेवा करना, सेवा ही परमो धर्म, सेवा ही धर्म है। इस कोरोना के काल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इसी कार्य को किया, और जब सेवा का भाव जब मन में रखते हैं, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि नर सेवा नारायण सेवा। नर सेवा माने जो भूखे हैं, नंगे हैं, अज्ञानी हैं। हम लोग गीत में कहते हैं, जब तक नंगे भूखे अज्ञानी हैं, जब तक अगणित बांधव मेरे, माँ कैसे सुख उपभोग करूं चुभते मन में कंटक मेरे। आज भी हम देखेंगे हमारे देश में बहुत सारे छोटे नौनिहालों को और उनको शिक्षा नहीं मिल पाती, बहुत सारे लोगों को एक समय का भोजन नहीं मिलता। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यही काम कर रहा है, 36,000 विद्यालयों के द्वारा बच्चों को शिक्षा देने का काम, संस्कार देने का काम। हम भारतीय, हम हिंदू हैं, हमारी सनातन संस्कृति है, हमें अपनी संस्कृति पर गर्व होना चाहिए, क्योंकि भारत की ही संस्कृति त्यागमयी संस्कृति है। दुनिया में किसी की संस्कृति त्यागमयी संस्कृति नहीं है। हमारी संस्कृति की विशेषता है कि हम अपने लिए नहीं जीते, हम अपनों के लिए जीते। हमारी संस्कृति की विशेषता है कि महर्षि दधीचि ने देवताओं की रक्षा के लिए अपने अस्थि के वज्र के रूप में अपनी अस्थि को दान दे दिया। राजा हरिश्चंद्र ने अपने पुत्र को दान में दे दिया। महाराजा दिलीप ने कबूतर की रक्षा के लिए अपने प्राणों की तिलांजलि दे दी। ऐसे बहुत सारी श्रेष्ठ गाथाओं से हमारी भारतीय संस्कृति के इतिहास भरा पड़ा है। सबसे अंत में मैं एक गाथा को सुना करके, क्योंकि पूज्य श्री का आगमन हुआ है, मेरा भी अभी 3 बजे एक प्रवचन मेरा सामने प्राथमिक घर में है, तो वहां मुझे देना है, वहां भी शिक्षार्थी मेरा प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैं केवल अभी नवरात्रि का द्वितीय दिवस है, इतना सुंदर अवसर है, और माता हमारे लिए यही प्रेरणा देती है कि सज्जन शक्ति को आप रक्षा करो, जो दुष्ट उसका संहार करो।
और दुष्टों का जब जब होए धर्म की हानि, बाड़े अधम अवमानी, जब जब धर्म की हानि होती है तब तब बहुत प्रकार के महापुरुष जन्म लेते हैं। उन्हीं महापुरुषों में एक नाम है जिनका कल और उनका और पुण्यतिथि थी, ऐसे महापुरुष थे पूज्य श्री गुरु गोविंद सिंह जी, जिन्होंने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए खालसा पंथ की स्थापना की। सकल जगत में खालसा पंथ गाजे, जगह धर्म हिंदू सकल भुंड भाजे। और ऐसे समय उन्होंने अवतार लिया जिस समय लगता ही नहीं था कि हिंदू बचेगा कि नहीं बचेगा। ऐसे समय उन्होंने अवतार लिया जिस समय औरंगजेब जैसा क्रूर शासक हिंदू बहन बेटियों के साथ बलात्कार कराता था और वह जबरदस्ती बलात् धर्मांतरण करके मुसलमान बनाता था। ऐसे मिलेच्छ के समय गुरु गोविंद सिंह जी का अवतार हुआ और उन्होंने पंच प्यारे की स्थापना की हिंदू धर्म की रक्षा के लिए। दुनिया का पहले ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने पूरे अपने परिवार को इस धर्म की बलवेदी पर नौछावर किया। चार बेटे थे उनके, एक बेटा था जोरावर सिंह, एक फतेह सिंह, जुझार सिंह, अजीत सिंह। जुझार सिंह और अजीत सिंह दोनों लड़ते हुए मिलेच्छों से युद्ध करते हुए युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गए। दो बेटे बचे थे, एक का नाम था जोरावर सिंह, एक का नाम फतेह सिंह। और दोनों बच्चों को एक बार धोखे से पकड़ लिया गया कि वो गुरु गोविंद सिंह की संतान थे, इसलिए उनको पकड़ करके मुगल दरबार में प्रस्तुत किया गया। जब प्रस्तुत किया गया तो उन्होंने कहा कि ये गुरु गोविंद सिंह का के बच्चे, इनको मुसलमान बनना पड़ेगा। जैसे हमने अखबार में आज देखा होगा कि कल की ही घटना है कि कल जम्मू कश्मीर में एक अध्यापिका जो पढ़ा रही थी, सुखविंदर कौर, एक भाई हिंदू भाई, उसको बिना किसी मतलब के गोली मार के मार दिया गया। उनका केवल एक ही दोस्त था कि वो हिंदू है। ये कल की घटना है, उस समय भी ऐसी घटनाएं होती थी। वो दोनों बच्चे हिंदू थे, वो गुरु गोविंद सिंह की संतान थे, केवल उनका केवल इतना ही दोस्त था, कोई दूसरा दोस्त नहीं था। जब उनको मिलेच्छों के दरबार में प्रस्तुत किया गया तो बड़े बड़े दाढ़ी वाले काजी ने फतवा दे दिया, इन बच्चों को मुसलमान बना दिया जाए। इनके बाप ने बहुत हमारे ऊपर अत्याचार कर रहा है, वो हमारे लोगों को मार रहा है, इसलिए इनको केवल एक ही दंड दिया जाए, इनको मुसलमान बना दिया जाए। और उनके दोनों बेटे जोरावर सिंह और फतेह सिंह दोनों सिंह की तरह थे, क्योंकि उनके पिता भी कहते कि चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊं तब गुरु गोविंद सिंह नाम कहाऊं। दोनों बच्चों के मन में किसी प्रकार का भय नहीं था, किसी प्रकार का डर या संकोच नहीं था, उनके चेहरे के अंदर किसी प्रकार की अप्रसन्नता नहीं थी। जब दोनों बच्चों को जंजीरों से जकड़े हुए थे, उनसे कहा गया कि तुम मुसलमान, तुमको इस्लाम कबूल है क्या? उन्होंने कहा हम इस्लाम कबूल नहीं करेंगे, क्यों, हम गुरु गोविंद सिंह की संतान है, हम पिता दशमेश की संतान है। हे मिलेच्छो, हम तुम्हारी बात को स्वीकार नहीं कर सकते, आप कितना भी हमको दंड दे दीजिए। उनको दंड दिया गया, बहुत प्रकार से उनको प्रताड़ित किया गया, लेकिन वो अपने मार्ग से विचलित नहीं हुए, अपने पद से विचलित नहीं हुए। सबसे अंत में काजी ने फतवा दे दिया, इन दोनों बच्चों को जिंदा दीवारों में चिनवा दिया जाए। आपको जानकारी के लिए बता दूं, दुनिया के इतिहास की ऐसी कोई भी घटना नहीं है कि जहां छोटे छोटे 2, 9 वर्ष, 11 वर्ष के बच्चों को दीवारों में जिंदा चिनवाया गया हो। कहीं भी दुनिया में ऐसी कोई घटना नहीं हुई, ऐसी क्रूर घटना हमारे इतिहास में हुई। जब दोनों बच्चों को जिंदा दीवारों में चिनवाने का फतवा दे दिया गया और दीवार चिनवाने के लिए दोनों को खड़ा कर दिया गया, ईंटें गारा लेकर के मिस्त्री आ गया, वो पिता बड़ा बेटा जो था जोरावर सिंह, छोटा फतेह सिंह था, तो जोरावर सिंह जोर से बोला, फतेह सिंह शेर सा बोला, रखो ईंटें भरो गारा चुनो दीवार हत्यारे, रखो ईंटें भरो गारा चुनो दीवार हत्यारे, हमारी लाश वो लेगी, हमारी श्वास वो लेगी, हमारे देश की जय हो, हमारे धर्म की जय हो, पिता दशमेश की जय हो, पिता दशमेश की जय हो। दोनों को चिनवाया जा रहा है। धीरे धीरे मिस्त्री ने ईंटे बनाने से गारे अब दीवार बनाना शुरू कर दी, दोनों तरफ दीवार बन रही है, छोटे भाई के कमर तक दीवार आ गई। बड़ा भाई देख रहा है कि छोटे की कमर तक दीवार आ गई है, कुछ ही देरों में हमारे प्राण समाप्त हो जाएंगे, हमारी सांसें इसी में घुटके समाप्त हो जाएंगी। फिर भी वो कहते कि अभी भी समय है, कमर तक दीवार आ गई, आप इस्लाम कबूल है? बोले नहीं है, आप हमें दीवारों में चुन दीजिए। और जब कमर तक दीवार आई थी तो बड़ा भाई जोरावर सिंह की आंख से आंसू टपटप करके छोटे भाई के कंधे पर आकर के गिरे।
छोटे भाई ने देखा बड़े भाई की आंख से अश्रु की धारा बह रही है। उन्होंने कहा, भैया आप रो रहे हो, आपको डर लग रहा है? अब देखिए हमारे इतिहास में किस प्रकार के सपूत पैदा होते हैं। तो बड़ा भाई जोरावर सिंह कहता है, छोटे भाई फतेह सिंह थे, कि भैया फतेह, मैं मेरे जो आंसू हैं ये दुख या कष्ट के आंसू नहीं है। मेरे आंखों से आंसू इसलिए निकल रहे हैं कि हम दोनों ने एक ही माता गुजरी बाई की कोख से जन्म लिया है। लेकिन छोटे तू बहुत भाग्यशाली है, किस मातृभूमि किस धर्म की बलवेदी पर पहले तुझे नौछावर होने का अवसर मिला है। काश मैं छोटा होता तो इस धर्म की बलवेदी पर मैं पहले नौछावर होता। यह है भारतीय संस्कृति। हिंदू इसलिए सुरक्षित नहीं है, जो कायर थे वो तो मुसलमान बन गए। हिंदू इसलिए सुरक्षित है कि वीर हकीकत राय, बंदा वैरागी, गुरु गोविंद सिंह की चार बच्चों का बलिदान, रानी लक्ष्मीबाई ने अपने बच्चे को कोख से बांध करके एक हाथ में घोड़े की लगाम, एक हाथ में तलवार लेकर के फिरंगियों के छक्के छोड़ा दिए। ऐसी वीर प्रसूता माताओं के कारण से हिंदुत्व सुरक्षित है। हिंदुत्व सुरक्षित है तुलसी बाबा की रामचरितमानस के कारण से, भक्ति आंदोलन के कारण से। जिस समय लगता ही नहीं था कि हिंदू बचेगा क्या, उस समय कहीं संत तुकाराम थे, कहीं संत तुलसी बाबा थे, ऐसे उसके बाद आज हम इस प्रकार से कथाओं का श्रवण कर रहे हैं। ये सज्जन शक्ति हमारे लिए हमारी धार्मिक चेतना को जगाने के लिए आती है। हम कौन है, हमारे जीवन के उद्देश्य क्या है, हमारा धर्म क्या, हमारी संस्कृति क्या है, हमारा इतिहास क्या है, हमारे भगवान से हमारा मिलन कैसे होगा। तो वास्तव में सज्जन शक्ति का आगमन हमारे लिए बहुत फलदायी होता है। और इसलिए आज की जो पाश्चात्य संस्कृति के कारण से भारतीय संस्कृति, भारत के इतिहास के साथ भारत की जो वैशिष्ट्यता, भारत के जो जीवन मूल्य थे, वो धीरे धीरे ह्रास हो रहे। हम अपने संस्कृति पर गौरव कम करते हैं। और इसलिए शास्त्रों में कहा गया है, केवल चमक दमक से बर्तन पात्र नहीं कहलाता, केवल चमक दमक से बर्तन पात्र नहीं कहलाता, और भड़कीले चित्रों का पोथा शास्त्र नहीं कहलाता। जब तक मस्तक ऊंचा करके, जब तक मस्तक ऊंचा करके चले ना लोग वहां के, तब तक कोई देश साथी और राष्ट्र नहीं कहलाता। जिस कौम को मिटने का एहसास नहीं होता, उस कौम का कभी कोई इतिहास नहीं होता। हमारे यहां हमने सागर पर पत्थर तैराए थे, हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी का गौरवपूर्ण इतिहास, चक्रवर्ती सम्राट हमारे देश में पैदा हुए, दुनिया को ज्ञान विज्ञान अध्यात्म दर्शन हमने दिया, दुनिया को सब कुछ सभी प्रकार का ज्ञान हमने दिया। लेकिन आज भारत को सपेरों का देश कहने लगे, भारत वेद गडरियों के की थे, आर्य भारत से आए थे, भारत की खोज वास्को डी गामा ने की थी। और विडंबना तो यह है, भारत में ही जो लुटेरा था, जिसने व्यभिचार किया, उस भारत के वहां की इतिहास की पुस्तकों में हमारे पूर्व की सरकारों ने लिख दिया अकबर महान। अब आप सोचिए, अकबर महान था तो महाराणा प्रताप लुटेरे थे क्या? जब सिकंदर महान था तो चंद्रगुप्त मौर्य लुटेरे थे क्या? हमारे इतिहास को बदल दिया गया। और इसलिए जो अपने इतिहास को भूल जाते हैं, हम अपने इतिहास, गौरवपूर्ण इतिहास भूलना नहीं चाहिए। संत शक्ति इसी प्रकार के आह्वान के लिए आती है। हम सब यहाँ आए, मैं बहुत ज्यादा नहीं कहूंगा, पूज्य महाराज जी का हम लोग, क्योंकि मैं तो बहुत अच्छा लग रहा था कि हनुमान जी का प्रतान चल रहा था, और हनुमान जी हमारे सच्चे आदर्श संस्थक हमारे लिए थे। वो तो सुंदरकांड में कहते थे, शाखा थे शाखा पे जाई, और उस समय हनुमान जी तो जो स्वयंसेवक का गढ़ होना चाहिए, सूचना के बाद फिर कुछ सोचना नहीं। हनुमान जी को राम जी की कोई सूचना मिलती थी, भाई ये काम करके लाना है, हनुमान जी पर ज्यादा दिमाग नहीं लगाते थे कि भाई दिमाग लगाना का काम उनका नहीं था। उन्हें था कि भाई सुसरण वैद्य को लाना है, वो घर से तो उठा लाए। उन्होंने कहा संजीवनी ड्यूटी लेके आनी, पहाड़ से तो ले आई, ज्यादा दिमाग का काम नहीं था उनके उनके यहाँ तो बस ये थे भगवान की, बस भगवान ने कहा इतना होना है, उतना ही होगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला। ऐसे हनुमान जी के वृतांत को हम सुन रहे थे। वास्तव में पूज्य श्री हनुमान जी इस कलयुग में हम सबके आराध्य हैं, हमारे लिए शक्ति प्रदाता हैं, बल प्रदाता हैं, बुद्धि प्रदाता हैं, ज्ञान प्रदाता हैं, और वास्तव में समर्पण भक्ति के प्रतीक हैं। पूज्य रामचंद्र के दास हैं। ऐसे हनुमान जी का हम आगे वृतांत सुन रहे होंगे, और इतनी सी वाणी कहकर के अपनी बात को मैं पूरी करता हूँ। जय श्री राम।
बहुत अच्छा। बहुत ही अच्छा। बोलो बाल कृष्ण भगवान की, हनुमान जी महाराज की।